हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कंडेंस मिल्क की रेसिपी। कंडेंस मिल्क से हम कोई भी मिठाई बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, बहुत ही कम टाइम में बना सकते हैं। तो कंडेंस मिल्क बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई को गैस पे रख लिया है और इसमें 1 लीटर दूध लिया है मैंने। ये डाल देंगे। ये मैंने फुल क्रीम दूध लिया है और ये कच्चा दूध लिया है मैंने। अगर आप पका हुआ दूध ले रहे हैं तो उसको मलाई के साथ ही लेना है। दूध में उबाल आने देंगे, 1-2 उबाल लगवा लेंगे इसमें। और ये देखिए, दूध में उबाल आ गया है। और अब हम इसमें चीनी डाल देंगे। ये मैंने 1 कप चीनी ली है। 1 लीटर दूध में 1 कप चीनी, ये मेजरिंग कप है, तो ग्राम ग्राम से ये 250 ग्राम चीनी है। तो 1 लीटर दूध में 250 ग्राम चीनी डालनी है। और चीनी जो है हमें पहले ही डालनी है, बाद में जब दूध गाढ़ा हो जाए उसके बाद नहीं डालनी। और इसको पका लेंगे दूध को, जब तक कि ये आधा ना रह जाए। गैस की फ्लेम हाई कर देंगे। कंडेंस मिल्क से गाइस कोई भी मिठाई बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही कम समय में बन जाती है। और घर का बना हुआ कंडेंस मिल्क बहुत ही अच्छा होता है। और ये देखिए, दूध जो है बिल्कुल आधा रह गया है पक के। तो इस समय हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा जिसको बोलते हैं। और सोडा डालते ही जो दूध है एक बार उबल के ऊपर आता है। इस आप या तो गैस की फ्लेम ऑफ कर दें या लो कर दें और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और ये देखिए, ये मिक्स होके बेकिंग सोडा इस तरह से हो गया है। अब फिर से मैंने भी गैस की फ्लेम ये ऑफ कर दी थी, अब फिर से गैस चला दी है मैंने। और गैस की फ्लेम मीडियम करके इसको हम पका लेंगे अच्छी तरह से। इसको थोड़ा थिक करेंगे। और ये देखिए, इस तरह का ये हम मुझे रखना है, इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी हमको रखनी है। इस समय मैं गैस की फ्लेम ऑफ कर दी है मैंने। और इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, उसके बाद मैं आपको इसको दिखाऊंगी। ठंडा हो जाएगा तो ये और ज़्यादा ठीक हो जाएगा। और उसका कलर भी आप देखिए, बिल्कुल मार्केट जैसे कंडेंस मिल्क की तरह ही लग रहा है। और ये देखिए गाइस, ठंडा होने के बाद आप इसकी कंसिस्टेंसी देखना कितनी अच्छी है। लग रहा है ना, बिल्कुल मार्केट जैसा, जैसा मिल्क मेड आता है ना मार्केट में, बिल्कुल सेम ऐसा ही लग रहा है। और इसको आप एक बाउल में या फिर एयर टाइट जार में डाल के फ्रिज में रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होता। और इसे आप कोई भी मिठाई, केक या फिर रबड़ी वगैरह बनाने में यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज, अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।